हेलो सर नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ किशोर जबलपुर से। सर जी सर। सर ये बताइए, ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का जो आपने साइकिल बताया है, तो मैं पहले फर्स्ट टाइम इसको किया, 15-20 दिन तो आराम लगा, ठीक हो गया मैं। एसिडिटी का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी है, मतलब वॉमिटिंग ऐसी होती रहती है। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया था, तो डॉक्टर ने मुझे एक मैक्स प्रो 40 करके टेबलेट रोजाना खाने के लिए बोला, तो मैं खाता था उसको। तो क्या नाम है, उससे मुझे कुछ लगा कि अंग्रेजी दवाई ठीक नहीं है, इसको बंद किया जाए। तो मुझे असल में एसिड प्रॉपर कंटिन्यूस नहीं बनता है, ये स्टॉक जैसे आता है, कभी बनने लगता है बहुत ज्यादा, कुछ भी खाओ तो बनेगा, और कभी ऐसा है कुछ भी खाओ तो बिल्कुल नहीं बनेगा, अपने आप सही अपने आप बनने लगता है, एक स्टॉक जैसा आता है। तो आपका वो साइकिल किया डिहाइड्रेशन, अब मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परसों से तीसरा दिन है आज। तो कल एक तो मुझे पानी जो बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो ऐसा चक्कर जैसा आने लगा, तो फिर भी मैं कंट्रोल करके किया। तो मतलब ये डॉक्टर जो सभी बताते हैं, इसके पीछे आपका क्या मतलब रिसर्च है, क्या साइकिल है, क्या है, मतलब पानी ज्यादा कमी भी हो सकती है ना, पेशाब पूरा जलन हो रहा था, पीला पेशाब गाढ़ा हो गया, तो आज मैं तीसरा दिन है थोड़ा पानी पिया, तो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब एसिडिटी में कोई आराम नहीं हुआ 3 दिन में भी। मुलेठी चूसता हूँ तो थोड़ा उसने वेदने वाला है, तो थोड़ा आराम मिल रहा है, मुझे लगता है वापस अंग्रेजी के वो दवाई से जाना पड़ेगा क्या, तो कुछ बताइए। आप अभी कौन सा रूटीन फॉलो कर रहे हैं? मैं थर्ड डेज का, इसमें आधा घंटे 1 घंटे पहले आपने बोला है 250 ml पानी लेना है, फिर आधा घंटे पहले 250 ml फिर मील लेना है, तो उसके बाद वॉक एंड रेस्ट भी करता हूँ, तो कोई आराम नहीं लग रहा, इसके वजह मेरा वेट तो कम हुआ है, कितना? 2.5 किलो करीब वेट कम हुआ है। कितना वेट है? मेरा वेट है 62.5 कुछ करके, 65 था पहले, 62.5 है करीब, नॉर्मल वेट है, तो कोई डॉक्टर वेट नहीं ज्यादा बता रहे हैं। इसको थोड़े दिन और फॉलो करिए, और जहां पर आपको दिक्कत लगती है पानी की कमी हो रही है, तो वहां पर एक थोड़ा देर के लिए बढ़ा लीजिए, एक एक करके 2-3 गिलास ले लीजिएगा, तो हफ्ते भर में और फर्क पड़ जाएगा आपको। तो मेरा ये नहीं बोला कि ऐसा नहीं, कभी ज्यादा एसिड बढ़ते रहने से पेट में अल्सर हो जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे, कहीं ऐसा हो ही ना गया हो, तो उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम लग रही नहीं, है। तो एसिडिटी का मतलब होता है कम एसिड बनते हैं, एसिडिटी का मतलब ये नहीं होता है ज्यादा एसिड बनते हैं, और कम एसिड की वजह से अल्सर्स होते हैं। चलिए, तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कम हो जाता है, बेसिकली जहाँ पर पानी ज्यादा होता है वो बराबर हो जाता है। तो उससे आपने अगर देखा होगा यूट्यूब पर वीडियोस कि सभी लोग ठीक हो जाते हैं। आपका कितना पुराना है एसिडिटी? अरे मेरा तो 5-6 साल पुराना है, तो बहुत आप पुराना, खाने के मतलब साथ पानी उसमें थोड़ा पीते बनता था, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके अनदेखा किया, मैं सोचा ये कोई बीमारी तो है नहीं, ये तो नॉर्मल होता होगा, सभी को बनता है, सभी लोग बताते नहीं, खाना पीना से बनता ही है, समोसे वोसे ऐसा खाने से। अब तो मैं कुछ भी बाहर का खाता नहीं, कुछ भी ऑयली, कुछ भी मसालेदार, कुछ भी नहीं, एकदम मतलब अपने आप को इतना करता हूँ कि मुझे दवाई ना खानी पड़े, बाकी जो बताए कोई वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल बिना
तेल सब्जी नमक मिर्च की भी रोल देगा कि सब्जी खाना है तो वो भी खा सकता हूँ। दलिया भी कुछ दिन दलिया पर रहा, फिर नहीं नहीं लोग उस बता रहे कि दलिया से भी नहीं ठीक रहता है, तो फिर मैं बेसिकली तो नॉर्मल खाती पानी हूँ। पानी कितना लिया था आपने कल के दिन? कल मैंने पानी वही 2.5 ml लिया, 3 बार 2.5 ml 2.5 ml। और चाय वगैरह कुछ भी नहीं लिया? चाय बिल्कुल पीता ही नहीं मैं। और वॉक एंड रेस्ट भी पूरा किया आपने? जी, 1 घंटे मैं तो शाम को नहीं कर पाता हूँ, सुबह किया, सुबह तो कर लिया मैं 1 घंटे पूरा। देखिए आज भी करके देखिए, एक दो दिन लग हो सकता है लग जाते हैं फालतू कई बारी, पर देखिए एक हफ्ते में तो आराम मिल जाना चाहिए। नहीं, पिछली बार तो इतना मैं बिल्कुल सही हो गया था ये करने से, और दवाई वही सब छोड़ दिया तो मुझे लगा बिल्कुल सही हो गया। सब कुछ चिकन मटन सब खाने लगा, ऑयली वॉयली सब खाने लगा था, फिर उसी में कुछ थोड़ा शुरुआत हुई एसिड की। एक दिन लगातार हो गया ना, जैसे कभी कभी खा लेता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लगातार हो गया। फिर वो कुछ भी ऐसा खाया, फिर उसके बाद कड़ी खाया, 2-3 दिन लगातार ऐसा हो गया, उससे फिर बना बन गया, तो फिर एक दिन वॉमिटिंग हो गया तो फिर मैं गया डिस्पेंसरी, तो उसने उसको बताया, मैंने कहा ये मैं लेता हूँ टेबलेट, तो उसको नहीं किया हूँ बहुत दिनों से, तो ऐसा कुछ है, तो उसने फिर एक इंजेक्शन दे दिया कोई पता नहीं क्या, उससे मुझे राहत मिली नहीं। तो फिर मैं फिर वापस उसी टेबलेट खाया, तो टेबलेट में उस टेबलेट को खाया 6 सप्ताह, डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा कभी हो जाता है तो रिकवर होने में 6 हफ्ते लगता है, तो 6 हफ्ते को टेबलेट भी खा लिया। उसके बाद एक आयुर्वेदिक चूर्ण बना के रखा है, उससे काफी मुझे आराम मिलता है। तो वो ये क्या नाम, अभिपत्तिकर चूर्ण है, और उसमें कोई मुक्ता पिष्टी वगैरह मिला के बनाया, तो उससे उसको ले रहा हूँ अभी, एक टाइम लेना पड़ता है सुबह लेके, और उसको लेने के बाद और आपको भी फॉलो कर ही रहा हूँ। अच्छा, वो दवाई अभी अभी भी ले रहे हैं खास आप? नहीं, अंग्रेजी दवाई नहीं ले रहा मैं, वो चूर्ण जो ले रहा हूँ आयुर्वेद वाला हाँ जी, उसको ले रहा हूँ। अंग्रेजी दवाई बंद कर दिया मैं अभी, 4 दिन पहले ही बंद किया था, और ज्यादा अंग्रेजी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर उसी पे जाना पड़ता है नहीं, अंग्रेजी दवाई और जो। उसमें कोई खास फर्क नहीं होता है, तो एक जैसा ही होता है। तो आप देख लीजिए दवाई बंद करके, फिर करके देख लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पुराना नहीं है तो फिर ठीक हो जाना चाहिए। वो दवाई की वजह से हो सकता है कि ये काम नहीं कर रहा हो, थोड़ा वो जो भी दिक्कतें आ रही हो उसी दवाई की वजह से आ रही होंगी। तो अच्छा दवाई बंद करके देखिए, फिर इसको ठीक से करके देखिए अच्छे से। आज पानी पी लीजिए तो दवाई का जो असर होगा वो निकल जाएगा, फिर दवाई बंद करके फिर देखिए, फिर ठीक हो जाएगा। तो ये कितने दिन, मतलब आपने तो बोला कि आप परमानेंट करते ही रहना है, लेकिन अब गर्मियों में थोड़ा सा कम नहीं हो जाएगा पानी, 7.5 तो दस कोई बात दिन नहीं, में आप बहुत बढ़ा है। लीजिएगा बढ़ा लीजिएगा। जैसे थोड़ा सा ज्यादा हो लगे ना तो जरूरी नहीं है, इतना ही एक दो गिलास फालतू ले लीजिएगा, या बीच बीच में तो बढ़ाना ही होता हफ्ते में एक बार ही, पर फिर भी उसके अलावा भी बढ़ा सकते हैं। मैं नया रूटीन भेज देता हूँ आपको, आप उसको एक बार देख लो, उसमें पानी ज्यादा भी है। टीम जी, भेजता हूँ अभी। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि आपका इसके पीछे क्या रिसर्च क्या है, क्या कैसे ये साइकिल पूरा काम करता है। बाकी देखा तो हूँ मैं, वीडियो देखा था, उसमें ऐसा तो नहीं कुछ, जैसे डॉक्टर कोई भी जाओ तो डॉक्टर तो हमेशा यही बोलता है ज्यादा पानी पियो, किसी भी बीमारी ज्यादा पानी ज्यादा पानी ज्यादा पानी, सब डॉक्टर यही चिल्लाते हैं। लेकिन ज्यादा पानी से मुझे तो ये तो पक्का है कि मैं सवेरे भी खाली में तो एसिड बढ़ता है, ज्यादा पानी जब भी पीता हूँ तो एसिड और बढ़ता ही है, जलन ज्यादा होने लगती है, पूरा खाना वापस आने लगता है मुंह में, बार बार उल्टी जैसी आती है, मतलब उसमें अधपच खाना निकल जाता है। अभी करने से अभी पेट भी थोड़ा साफ रहता है, आप और जो बात खाना कह मतलब रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहा है, पेट में तो जलन रहती है लेकिन ऊपर आप नहीं जो आ बात रहा है। कह रहे हैं ये बात तो सारे के सारे पेशेंट्स बोलते हैं ना, पर फिर भी डॉक्टर्स तो चेंज नहीं होते ना, दवाइयां दे रहा तो वो बंद नहीं करते। जो आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो एक आदमी का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे लोग बोलते हैं।
पुराने जमाने मतलब लोग एक बात को जिसको एडवर्टाइज कर दिया जाए बहुत चलता है। तभी मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना कोको कोला, जी वो जब शुरू करी गई थी तो उसको ये कह के शुरू किया गया था कि इससे सारी बीमारियां ठीक होती हैं, एसिडिटी भी ठीक होती है, और कई साल तक वो ऐसे दवाई बिकती रही है। और फिर उसके बाद उसको कमर्शियली मार्केट करके उसको एज ए कोल्ड ड्रिंक बेचा गया, और आज की डेट में बोला जाता है कि इसी की वजह से सारी बीमारियां होती हैं, नहीं तो कम से कम 50 साल तक तो उसको एज ए दवाई बेचते गए हैं। उससे तो बल्कि और तेजी से बढ़ता है, ऐसे भी कोका कोला कितना भी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक है। अच्छा हाँ, तो पहले इसी को आराम के लिए दिया जाता था लोगों को, तो जो आदमी जिस तरीके से अपना बेचना चाहता है वो बेचता है, कोई रोक टोक तो है नहीं। आज भी रोक टोक नहीं, आज भी लोग बेकार की चीजों को 2-2 हजार रुपए के बेच रहे हैं जिसका कोई काम काम नहीं होता। मार्केटिंग करते हैं, उसको रिसर्च बोल देते हैं, उसको बेवकूफ बनाते हैं। हमारा रिसर्च का मतलब तो होता है ना लोगों का फीडबैक, तो लोगों का फीडबैक है ये काम करता है। अदरवाइज इसका नॉर्मल अगर आप साइंस देखते हैं तो साइंस ये होता है आपके शरीर में जो बीमारियां होती हैं उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसका तालमेल बिगड़ जाता है, उनके प्रोपोर्शंस होते हैं ना हर चीज के। तो उसको ठीक करने के लिए क्या होता है कि मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया और उसको टेस्ट किया, आपको नमक ज्यादा लग रहा है, नमक कम करना है अगर आपको तो पानी और डाल देंगे, जी और अगर आपको नमक कम लग रहा है तो अगली बार नमक और पानी बनाएंगे तो पानी कम ले लेंगे, नमक ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली एक दिन आप पानी पीते हैं, एक दिन पानी छोड़ते हैं या कम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो भी इम्बैलेंस होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। और उसके अगर लॉजिक देखिए, मेन चीज मैं बताऊं क्या होता है, ये सब लॉजिक जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सब बेकार की बातें हैं। मेन चीज अल्टीमेटली होता है कि जितना भी साइंस है, साइंस में एक ही चीज होती है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, लोगों को आराम मिल गया तो उसको साइंस बोल दिया, फिर उसका जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं। तो प्रैक्टिकली तो हमने भी ऐसे किया है कि पहले करके देखा और उससे आराम मिला तो फिर उसके पीछे लोग बोलते हैं कि जी उसके पीछे साइंस क्या है, तो उसको साइंस को अपने तरीके से फिर तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं। जी परफेक्ट यही है कि इससे आराम मिल जाता है, परमानेंट आराम मिल जाता है, लोग परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। जी और दूसरा क्या है कि इसको सिर्फ एसिडिटी का आराम नहीं है, आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो एसिडिटी, जिनको एसिडिटी होती है उनको डायबिटीज भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है, स्ट्रोक भी होता है। तो अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे तो बाकी की कंडीशंस भी ठीक रहेंगी, कि आपको बाकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है सर, थैंक मैं आपको भेजता हूँ, आपका नंबर व्हाट्सएप पर है ना, यू। जी मैं भेज रहा हूँ।